हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इवनिंग क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉब इंटरव्यू की बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। फ्रेंड्स, जॉब इंटरव्यू इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द जॉब सीकर। इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बिकॉज यू डोंट गेट सेकेंड चांस टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन। हियर वी प्रोवाइड सम स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव योर इंटरव्यू स्किल्स। नंबर वन, प्रैक्टिस फॉर गुड नॉन वेरबल कम्युनिकेशन। द नॉन वेरबल कम्युनिकेशन इज यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस। यू शुड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली। सबसे पहले, आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं और आप इंटरव्यूअर्स के सामने खड़े हैं, जब तक के खड़े हैं तब तक स्टैंड प्रॉपरली, स्ट्रेट एंड प्रॉपर। सेकेंड थिंग इज मेक आई कॉन्टेक्ट वाइल आंसरिंग। इंटरव्यू के दौरान आपको अपने इंटरव्यूअर से प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट बना के रखना चाहिए और ऐसा करते वक्त आपके चेहरे पर एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, मेक फर्म हैंडशेक। फोर्थ, फील कॉन्फिडेंस वाइल द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यूअर के रूम में घुसते वक्त अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें। सेकेंड पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस अपने आप में बहुत मायने रखता है। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप प्रॉपर और फॉर्मल ड्रेस पहने। सो पावर ड्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस एन इंटरव्यूअर। इट इज ऑल्सो इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। यू मस्ट बी वेल ग्रूम्ड। इट इज बेटर फॉर यू दैट यू फाइंड कंपनी ड्रेस कोड बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। ब्लैक शूज, well polished, have a professional, simple and nice haircut and cleanly shaven. Okay, the third point is listen carefully. दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप इंटरव्यूअर को प्रॉपरली और केयरफुली सुने, समझें और उसके बाद ही रिस्पॉन्स करें। ऐसा ना हो कि किसी भी वजह से आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का गलत आंसर दें। So, from the beginning of the interview, you should listen to every word of the interviewer very carefully. If you are not listening properly, you are missing an opportunity to impress him, because sometimes there is a hidden answer in the question already. So, you should improve your listening power. And jaise ki an interview asks you to write something on blackboard. अगर आपने प्रॉपरली या ढंग से नहीं सुना तो आप सभी की तरह ब्लैक बोर्ड पर या बोर्ड पर कुछ भी लिखेंगे जो आपका मन होगा, जबकि इंटरव्यूअर ने आपसे कहा है राइट समथिंग ऑन बोर्ड। सो लिसन केयरफुली। फोर्थ पॉइंट है डोंट टॉक टू मच। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान आपको याद रखे कि आप बिल्कुल भी अननेसेसरी बात ना करें। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू स्पीक अननेसेसरीली। योर आंसर मस्ट बी टू पॉइंट। स्पीक लेस बट पॉइंट टू पॉइंट। डोंट रिजेंबल, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग स्किल्स। स्पीक अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरी तरह से इंग्लिश में बात करें या पूरी तरह से हिंदी में बात करें। आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और अच्छे ढंग से जिस भी लैंग्वेज में समझा सकते हैं उस लैंग्वेज में बात करें। फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी टू फैमिलियर। यू शुड नॉट ट्राई टू मेक अ फॉल्स फैमिलियर एटमॉस्फेयर। आप इंटरव्यूअर से बात करते समय ये बात ध्यान रखें कि वो एक प्रोफेशनल इंसान है और आपको भी उसके साथ में प्रोफेशनल बात करनी है। किसी भी तरह का फैमिलियर बिहेवियर नहीं करना है। दे आर इनफ स्मार्ट एंड कैच ऑल योर किनिंगनेस इन जस्ट अ मिनट। सो डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट एंड स्पीक अप्रोप्रिएटली। ओके फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरली व्हेन एन इंटरव्यूअर आस्क दैट इफ यू हैव अ क्वेश्चन, most of the candidates say no, it is wrong practice. You should ask also according to the situation. It shows that you are listening properly and have a keen interest. Asking question also give you an opportunity to find the right place for you in the company. But always remember that it should not look artificial. Friends, here are the top 10 questions that can be asked by the candidate. Generally, an interviewer gives a chance to the candidate to ask some question at the end of the interview. So, aap interviewer se pooch sakte hain, can you please describe the responsibilities of the position? What are the biggest challenge of this job? Is this a new position? You can please describe the company management style. What are the prospects for the growth? When can I expect to hear from you? If I want to extend the job offer, how soon
would you like me to start? What is the best part of the working for this company? Is there any possibility for a relocation? How much travel is expected? दोस्तों ये बहुत ही जर्नल से क्वेश्चन है जो आप इंटरव्यू खत्म होने के बाद आपका इंटरव्यूअर जब आपसे कुछ भी सवाल पूछने को बोले आप पूछ सकते हैं लेकिन ये क्वेश्चन बट रिमेम्बर ये क्वेश्चंस स्क्रिप्टेड नहीं लगने चाहिए दोस्तों जिस तरह से सवाल पूछ लेना ज़रूरी है उसी तरह से कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो नहीं पूछने चाहिए किसी भी हालात में और उनमें से कुछ ऐसे सवाल जो मुझे लगता है कि नहीं पूछने चाहिए वो हैं डिड आई गेट दिस जॉब कैन आई चेंज माई शेड्यूल इफ आई गेट दिस जॉब वट आर द वर्किंग एरिया ऑफ दिस कंपनी इफ आई गेट द जॉब कैन आई टेक अ वेकेशन इस तरह के क्वेश्चंस आप कभी भी जॉब इंटरव्यू के दौरान या खत्म होने पर नहीं पूछेंगे दोस्तों इंटरव्यू के दौरान लगभग सभी डिप्रेस्ड होते हैं सभी थोड़े से नर्वस होते हैं घबराए होते हैं लेकिन आपको डिप्रेस्ड नहीं दिखना है नर्वस नहीं दिखना है नर्वसनेस होती है थोड़ी बहुत अच्छी होती है और होना भी चाहिए लेकिन उसको फेस पर बहुत ज़्यादा शो नहीं करना है सो डोंट शो एन एटीट्यूड दैट यू आर डाइंग फॉर दिस जॉब यू शुड नॉट लुक डिप्रेस्ड एंड लेस कॉन्फिडेंट इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू टू लुक कूल काम एंड कॉन्फिडेंट विद इन द होल सेशन ऑफ इंटरव्यू इट ऑल्सो मेक श्योर द इंटरव्यूअर दैट यू हैव सम एबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कैन डू समथिंग जॉब इंटरव्यूज के क्वेश्चंस की इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ एचआर इंटरव्यूज के बारे में और कंपनी इंटरव्यूज के बारे में और कुछ बहुत ही नामी कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले कुछ खास क्वेश्चंस के बारे में जैसे कि IBM गूगल एप्पल इंफोसिस एक्सेट्रा के बारे में दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग इवनिंग क्लासेज़